एक्सपायर हो गए हैं, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन 4-5 आदमी लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। तो अभी तक आपको जानकारी मिली कि अभी मिली है? अभी यही कंपनी आ रहा है, अब कहाँ लाश गई हमको पता नहीं है। जो इतने भगन नाम है, जो भगन कितने सालों से काम कर रहा है? अरे 15-20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए उनको। किस चीज़ का काम होता था? कोट पैंट बनता था। जो है कि रहने वाले कहाँ के हैं? ये यूपी देवरिया जिला के रहने वाले हैं। किस गांव के? बंजरिया। तो जिसकी फैक्ट्री थी उसकी तरफ से कोई आपको इत्तला दी गई है फिर कुछ? उसके तरफ से नहीं, हमारा जो कारीगर वो हमारे पास फ़ोन किए कि तुम्हारे भाई ख़त्म हो गए हैं, कि क्या हुआ, कोई सूचना नहीं मिल रहा। ये नहीं पता चला कैसे आग लगी थी, क्या बॉयलर बता रहे हैं कि फटा हुआ है। किसी ने बताया फोन करके कि आरती की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, तो आप जाइए आरती को देखिए, आरती की माँ को बुलाइए। तो मैं आया था करोलबाग किसी काम से, तो मैं यहाँ आया था, वो मैं प्लॉट की किस्त देता हूँ, तो वहाँ पर मुझे फ़ोन करा रानीबाग से एक मैडम ने, कह रहे आप वहाँ चला जाइए और आरती की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने फ़ोन करा तो आरती का तो कोई नंबर लग ही नहीं रहा। कैसे पता चला? किसने बताया आपको? कैसे पता चला? मेरे को रानीबाग से फ़ोन आया था, हमारी एक मैडम है जानकार है बहुत पुराने टाइम से, यहाँ आने के बाद आप तो यहाँ उनका कोई कंपनी में जानकार है, जो रानीबाग मैडम उनका कोई जानकार है। ठीक है, उनकी अभी तक आपको क्या पता चल पाएगा आपकी बेटी? अभी मुझे कुछ नहीं पता चला, मैं सबसे पूछ चुका मेरी बेटी कहाँ, मुझे मेरी बेटी से मिलाया जाए, अभी कोई सुन के राजी नहीं, उल्टा ये कह रहे कि भी काम बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, अभी इससे ज़्यादा क्या खराब होगा, आप लोग मुझे जवाब दीजिए। जब यहाँ पे पुलिस वाले उनसे बात की आपकी? सबसे बात कर रहा हूँ लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है, कह रहे 7 साल चले जाओ, मैं कौन सा साल जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको देखूँ जाकर? कुछ बताने को तैयार नहीं, कोई नहीं साफ बता रहा, या तो मेरे को लेके चलो भाई कहाँ है, मेरे को मिलवाओ बेटी से। ये कॉल हमें 12:22 पर इत्तला मिली थी और दो गाड़ियां तुरंत भेजी गई थी, एक प्रसाद नगर से, एक फिल्म रानी फायर स्टेशन से, और 12:40 पर लगभग हमने फायर को अंडर कंट्रोल कर लिया था। फर्स्ट फ्लोर पे आग थी, ये गारमेंट्स का काम, गारमेंट्स प्रेसिंग यूनिट था, जिसमें कोई सॉल्वेंट, कोई केमिकल्स बता रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, सॉल्वेंट था कोई, प्रेसिंग में कहीं यूज़ होता है, तो सॉल्वेंट था जो टेबल पर गिरने से एकदम फायर स्प्रेड हो गई, जिससे एक आदमी जो गेट पे ही था वो तो डेड बॉडी मिली है, और जो पीछे दो लेडीज़ और एक जेंट्स पीछे था वो सफोकेशन वगैरह, हीट और सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई। मतलब कुल मिला के 4 लोगों की डेथ हुई है? कुल मिला के 4 लोगों की डेथ हो गई है। इंजर्ड कितने सर? 2 इंजर्ड है, जिसमें से एक लड़की तो माइनर है, एक लड़का है थोड़ा जो PCR द्वारा रिमूव कर शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जो एक रास्ता होने की वजह से, अगर इसके 2 रास्ते थे तो पिछले रास्ते से भाग निकल सकते थे, एग्जिट हो सकता है, लेकिन एक रास्ता होने की वजह से इसमें दिक्कत आई और जो पिछले 3 आदमी थे वो ट्रैप हो गए।